हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईआईटी जेईई मेन 2019 का पेपर कर रहे हैं। 10 जनवरी इवनिंग सेशन का पेपर है। इससे पहले हम लोग जो है 9 जनवरी का दोनों मॉर्निंग और इवनिंग तथा 10 जनवरी का मॉर्निंग सेशन का पेपर हम लोग कर चुके हैं। अब जो है हम लोग 10 जनवरी का इवनिंग सेशन का पेपर को हम लोग कर रहे हैं, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एट द मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F, दो फोर्स है जो पी और क्यू है जिसका मैग्नीट्यूड 2F और 3F है, आर एट द एंगल थीटा, और वो दोनों फोर्स एंगल थीटा के साथ में एक दूसरे के साथ में लगा हुआ है। इफ द फोर्स क्यू इज डबल देन देयर रिजल्टेंट ऑल्सो गेट डबल, अगर जो है हम लोग फोर्स क्यू को क्या कर दे रहे, डबल कर दे रहे, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या चीज हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। देन द एंगल इज, तो हम लोग को एंगल थीटा निकालना है कि मान लिया जाए कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको थीटा को निकालना है। इधर कितना लग रहा है 2F और इधर कितना लग रहा है 3F, तो हमको इसके बीच का जो एंगल है उसको निकालना है। तो फर्स्ट केस क्या चीज है, यहाँ पर ही जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस के लिए जो है हम लोग रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट क्या चीज होगा, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस क्या होगा, f1 f2 cos थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ही जो रिजल्टेंट है वो आर ही है, और f1 का वैल्यू मेरा कितना है 2F है, 2F का स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू कितना है 3F का स्क्वायर प्लस F1 into F2, यानी कि कितना होगा 2F into F1 का वैल्यू कितना है 2F और F2 का वैल्यू कितना है 3F into किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 4F² + 9F² + 2×4 = 12F² cos थीटा, ये इसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, r² = 9F² + 4F² + 9F² + 12F² cos थीटा के बराबर होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13F² + 12F² cos थीटा, ये किसके बराबर हो गया, r² के बराबर हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो है सेकेंड केस के लिए क्या चीज होता है, सेकेंड केस में बोला गया है कि अगर जो है ना हम लोग केवल Q को डबल कर दे, किसको डबल कर दे, Q जो कि यहाँ पर कितना है 3 ये है, तो Q को अगर डबल कर दे तो अब उसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होता है 2R, रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है 2R, तो हम लिखेंगे अब 2R² = F1, तो वही है F1 किसके बराबर हो जाएगा 2F² + अब जो है इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, यानी कि 3×2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6F² + 2×2F × 6F × cos थीटा, तो अब इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4R² = यहां पर ही हो जाएगा हमारा 2F का, यानी कि 4F² + 36F² + 2×4 = 24F² cos थीटा के बराबर होगा। अब जो है इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग का क्या चीज, r² का वैल्यू निकल गया है, हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर 4 × r² के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13F² + 12F² cos थीटा, जो पहला इक्वेशन से आया है इक्वल टू ये 36 + 4 कितना हो जाएगा 36 + 4 = 40F² + कितना हो जाएगा 24F² cos थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 52F² + 12F² + 48F² cos थीटा = 40F² + 24F² cos थीटा। अब जो है F² को एक तरफ करते हैं, cos² थीटा को एक तरफ करते हैं, तो क्या चीज आ जाएगा 52F² - 40F² = 24F² cos थीटा + 48F² cos थीटा और F²। तो अब जो है इसको हम लोग घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 52 में से 40 चला गया तो 12F²
इक्वल टू 24 में से 48 चला जाएगा, यहाँ पर जो है ये इधर प्लस है तो इधर आकर के क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 24 एफ स्क्वायर कोस थीटा, और यहाँ पर इसे हम कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या चीज आ जाएगा 12 बाई एफ स्क्वायर बाई ये 24 को नीचे कर देंगे, 24 एफ स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, माइनस कोस थीटा। तो यहां से जो है कोस थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। तो इससे हमको पता चलता है कोस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में रहता है, इसीलिए जो थीटा का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 120 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 120 डिग्री, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या चीज होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन द फिगर इज 30 ओम। एक्चुअल वैल्यू दिया गया है हमको, कितना दिया गया है 30 ओम दिया गया है। दिस इज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट, ये जो है ना एक मेजर किया गया है एक एक्सपेरिमेंट द्वारा, शोन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर इक्वल टू वी बाई आई, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी एंड आई आर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। यहां पर जो एमीटर लगा हुआ है और वोल्टमीटर लगा हुआ है उसका रीडिंग है वी और आर। द वोल्टमीटर एंड एमीटर, इफ द मेजर्ड वोल्टेज आर इज 5% लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, जो मेजर्ड वैल्यू है वो जो है ना रेजिस्टेंस का जो मेजर्ड वैल्यू है वो 5% कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस हमको जो है क्या निकालना है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टमीटर का हम लोग को क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हमको दिया गया है रेजिस्टेंस का की रीडिंग कितना हो रहा है, 5% लेस रीडिंग कर रहा है, 5% लेस रीडिंग कर रहा है, यानी कि कितना कर रहा है, 95% रीडिंग कर रहा है, 95% रीडिंग दे रहा है, किसका आर का, तो 95% ऑफ आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.95 आर के बराबर ये क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है। अब हम लोग जो है ना ये जो है ये जो रेजिस्टेंस है ये इस रेजिस्टेंस के साथ में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या चीज में जुटा हुआ है, सीरीज में जुटा हुआ है। तो लेट है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज में जुटा हुआ है, सीरीज में, इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो आर इक्विवेलेंट क्या चीज होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या चीज होगा, आर प्लस आर नोट, सॉरी ये पैरेलल में जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो रहेगा ये किस तरह से रहेगा, पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, सीरीज में नहीं, आर इज इन द पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, ये किस चीज में कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल, क्योंकि ये वोल्टमीटर के साथ में ये रेजिस्टेंस क्या चीज में है, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या चीज होगा, आर नोट इंटू आर वी बाई आर इंटू आर वी इंटू क्या चीज होगा, आर प्लस आर वी, ये इसके बराबर होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरा जो है ये आर वी का वैल्यू, ये आर ई का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, 0.95 आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर इंटू आर नोट, सॉरी यहां पर आर नोट होगा, आर इंटू आर नोट बाई आर प्लस आर वी। जब हम इसको इधर करेंगे और उसके बाद में जो है यहां पर जो है आर वी को एक तरफ करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.95 आर इक्वल टू, यहां पर ही आ जाएगा आर वी, और आर वी को बाहर निकालने के बाद में क्या आ जाएगा, आर माइनस 0.95, ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये मेरा ये आ जाएगा। तो इसके इसके लिए हमको क्या आ जाएगा, 0.95 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.05 आर भी के बराबर हो जाएगा, यानी कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यहां पर इसे जो है हम लोग वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, हमको आर का वैल्यू पता है, 0.95 इंटू आर का वैल्यू दिया गया है 30 ओम, और उसके बाद में 0.05 यहां पर ही आएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 19 बार में, तो 19 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 × 3 = 57, यानी कि टोटल कितना आ गया, 570 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो जो कनेक्टेड रहेगा वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 570 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि साधारण सा कैलोरीमेट्री से है, तो लोब कैलोरीमेट्री, एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो है ना मेटल को, जिसका हमको अननोन है स्पेसिफिक हीट की ये कौन सा मेटल है, उसको जो है ना इसका मेटल का मास कितना है, 192 ग्राम है, और इसको जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया।
इमर्ज इंटू ए ब्रास कैलोरोमीटर ऑफ द मास 128 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर। उसको जो है ना एक ब्रास कैलोरोमीटर में डाला जा रहा है जिसका वेट मास कितना है 128 ग्राम और उसमें जो है ना पानी भी कंटेन कर रहा है। कितना ग्राम पानी कंटेन कर रहा है? 240 ग्राम वाटर कंटेन कर रहा है। वाटर इज एट टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है उसमें 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो यानी कि जो ब्रास का कैलोरोमीटर है वो उसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 8.4 ही डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट द अननोन मेटल ऑफ वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज एज 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में जब उसको डाल दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला को कैलोरोमीटर में, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको निकालना है इस स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास, ब्रास का स्पेसिफिक हीट। तो हम लोग जो है लॉ ऑफ कैलोरोमेट्री से जाते हैं। लॉ ऑफ कैलोरोमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरोमेट्री से क्या चीज होता है? हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो यहां पर ही जो है हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? ब्रास का मेटल कर रहा है। और गेन कौन कौन कर रहा है? हीट गेन जो है हमारा कर रहा है एक कैलोरोमीट्री का कैलोरोमीटर कर रहा है, एक जो है कैलोरोमीटर हीट गेन कर रहा है, प्लस कौन कर रहा है? वाटर हीट गेन कर रहा है। तो यानी कि हम लोग को ये दोनों का हीट गेन कर रहा है, और लॉस्ट कौन कर रहा है? हीट लॉस्ट बाय द ब्रास, ब्रास केवल क्या कर रहा है? हीट लॉस्ट कर रहा है। तो हम लोग को इसका निकालना है। तो हाइट लॉस्ट बाय द ब्रास किसके बराबर होगा? ये कितना ग्राम दिया गया? 192 ग्राम। एम एस डेल्टा टी होता है ना, हम लोग को पता है एम एस और डेल्टा टी, और ये भी एम एस डेल्टा टी होगा। तो ये एम कितना दिया गया? 192 ग्राम। इसका एस हमको पता नहीं है। और टेम्परेचर कहां से? ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है? 21.5। और इसको गर्म कितना तक किया था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया था, है ना। तो इसका जो डेल्टा टी होगा वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 100 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है हीट लॉस्ट हुआ। तो हीट गेन कौन कौन किया? कैलोरोमीटर। कैलोरोमीटर का मास कितना है? 128 ग्राम। 128 ग्राम ये इसका मास है। और उसके बाद में स्पेसिफिक हीट इसका दिया गया है। स्पेसिफिक हीट दिया गया है, कितना दिया गया है? स्पेसिफिक हीट हमको दिया गया 394। और ये जो है ना टेम्परेचर कितना से जा रहा है? ये जो है शुरू में कितना था? 8.4 डिग्री पे था, और उसके बाद में वो कितना टेम्परेचर तक बढ़ा? 21.5। तो कितना हो जाएगा? 21.5 माइनस 8.4। ये जो है ये किसके लिए हो गया? कैलोरीमेट्री के लिए। अब प्लस वाटर, वाटर कितना ग्राम था? 240 ग्राम। वाटर कितना था? 240 ग्राम। प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लोग को पता है 4200। और इसका जो टेम्परेचर है ये भी कितना में आया? फाइनल टेम्परेचर 21.5, और शुरू में कितना था? 8.4 पे था। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इजीली एस का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब जो है हम आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे और एस को जो है एक तरफ करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे और इसको क्या करेंगे? एड करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस इक्वल टू मेरा आएगा 916 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या आएगा? वैल्यू आएगा। जब हम इसको साधारण सा सॉल्यूशन है जिसको सॉल्व करके हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? ये आंसर ला सकते हैं, जो कि यहां पर ही आंसर नंबर 4 में दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है एट ए टाइम टी इक्वल टू जीरो। इस समय में टाइम कितना है? टी इक्वल टू जीरो। एंड मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स लाइन। अब जो है ये पॉजिटिव एक्स लाइन की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन। वेलोसिटी का जो है टाइम के साथ में ये भी है और ये टी है, तो वेलोसिटी का जो टाइम के साथ में ग्राफ है वो दिया गया है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? सॉरी, क्या चीज होगा? पोजिशन क्या होगा? तो हम लोग पोजिशन निकालते हैं। तो कितना पे निकालना है? टी इक्वल टू 5। तो ये वाला लाइन हमारा क्या चीज होगा? ये इसका पोजिशन का ये टाइम इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते हैं पोजिशन क्या चीज होता है। पोजिशन जो है इस ग्राफ के अंदर में जितना भी जो है ना ये सरफेस एरिया को ये कवर करता है वही इसका क्या होगा? पोजिशन के बराबर होगा। तो हमको जो है इसका एरिया निकालना थोड़ा सा क्या चीज होगा? तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये 2 तक कहा क्या चीज किया? इस तरह से ये ट्रेवल किया, और उसके बाद में यहां पर इसे जो है 4 तक ये क्या किया? ये इस तरह से बन गया, यानी कि 2 को रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, और एक क्या चीज बन गया? ट्रेंगल बन गया। यानी कि तीनों का अगर एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा?
ये हमको निकल जाएगा। यानी कि हम लोग क्या चीज होगा, एस इक्वल टू है ना एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल मान लेते हैं ए बी सी हो गया, ये क्या चीज हो गया, ये जो है डी ई एफ हो गया, और उसके बाद में एफ डी ई एफ ई एफ, उसके बाद में क्या चीज हो जाएगा जी, इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल, उसके बाद में प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चीज बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी, ई एफ जी आई। तो इसका अब हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस है वो कितना दूर गया, 0 से 2, यानी कि बेस कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइट, ये हाइट कितना तक गया है, 2 तक, यानी कि हाइट कितना है 2, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी, इसका एरिया कितना है, ये जो है यहां पर इसे 4 से 2, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, ये बी इंटू एच क्या चीज होगा, यहां से यहां तक 2, यानी कि ये 2 प्लस कितना हो गया, इसका एरिया ऑफ जो है आई एफ जी ई का, तो इसका इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 to 5 गया, यानी कि 1 मीटर इसका बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया यहां से यहां तक, ये जो हो गया 3 हो गया, तो ये इसका 3 हो गया इसका एरिया। तो अब हम लोग निकालते हैं, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि 2 + 4 + 3, तो 4 + 2 = 6 + 3 = 9, तो इसका कितना हो गया 9 मीटर जो हो गया, इसका क्या चीज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।